तो इस तरीके से पहुंचाए हम दिल्ली। कल पहुंचा था मैं दिल्ली और कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा थका हुआ था। ट्रेन की जर्नी थी, ट्रेन की जो जर्नी है वो जनरली इस तरीके की कुछ हो जाती है। ऐसे तो मैं ज्यादातर मोटरसाइकिल से ही ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ, पर जब कभी ट्रेन से जाना होता है तो थोड़ी सी बोरियत सी होती है ट्रेन के अंदर। फिलहाल पहुंच गया था, ट्रेन बिफोर टाइम थी। मैं आपको इस चश्मे के बारे में, मैंने आपको बताया था कि ये जो चश्मा है ये मैंने आईवेयर लैब से लिया, तो इसको मैंने काफ़ी पहना इस बार। काफ़ी अच्छा चश्मा है, लाइट वेट है, कोई स्क्रैच नहीं अभी तक आया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कोई इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंट है, इसमें कोई स्क्रैच नहीं आएगा। दिन में भी इसको पहन के चलाया, रात में भी इसको पहन के चलाया, मज़ा आया। तो मैं गया था बाहर, थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड के शोरूम में काम था। तो इस चश्मे की दूसरी सबसे अच्छी बात जो है कि अगर आपके पसीना आता है ना, जैसे जनरली गर्मी है पसीना होता है, तो माथे से पसीना होते हुए चश्मे के ऊपर से आ जाता है और जो पानी है, जो पसीना है, वो चश्मे पे जम जाता है, फिर हमारा विजन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। पर इस चश्मे में सबसे अच्छी बात क्या है कि थोड़ा सा स्पेस होने की वजह से सारा पसीना चेहरे पे आँखों पर होगा, पर आपके चश्मे के ऊपर नहीं होता है। तो जब चश्मे के ऊपर नहीं होता है तो हमारा जो विजन है वो नहीं गड़बड़ होता, वो खराब नहीं होता। कुछ बाइक्स टेस्ट राइड कर रहा हूँ, कुछ मन में दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है, तो अभी सोचते हैं। तो मेरे पास ओवरऑल 3 चश्मे हैं। तो ये था मेरा दूसरा चश्मा जो मैंने लिया क्वेचा से। ये चश्मा भी पॉलराइड है और बहुत लाइट फ्रेम का है। बस इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके जो ग्लासेस हैं उस पर स्क्रैचेस आ गए, और वो स्क्रैचेस ऐसे आ गए हैं कि अब इससे बाहर का साफ नहीं दिखता, बीच बीच में यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला हो गया है। अगर देखें इसकी वजह से इस चश्मे को चेंज कर दिया। और मेरा सबसे फेवरेट चश्मा है ये, जो कि है रेबैन पॉलराइड ओरिजिनल रेबैन, ये डुप्लीकेट नहीं है। ये चश्मा लगाते ही ना एक अलग सी फीलिंग आती है कि ये चश्मा इतना ज़्यादा लाइट है, पता ही नहीं चलता है कि हमारे चेहरे पे, हमारे आँखों पर कुछ रखा हुआ है। और इसके जो ग्लासेस हैं अमेजिंग, अगर आप इसको नज़दीक से देखोगे तो ये चश्मा कई बार गिरा है, स्क्रैचेस आ चुके हैं, कई कई सारे स्क्रैचेस हैं इस ग्लासेस पे, पर इन सब के बावजूद जो क्वालिटी है, जो रिज़ल्ट आता है इस चश्मे का, अमेजिंग अमेजिंग। फ़िलहाल ये चश्मा खैर है महंगा, तो इसकी वजह से इसकी क्वालिटी जो है वो भी सुपीरियर है बाकी चश्मों के मुकाबले। तो अब मैं बात करता हूँ अपने आईवेयर लैब्स के इस सनग्लासेस की। तो ये ग्लासेस बहुत ही अच्छे ग्लासेस हैं, बहुत लाइट वेट है, हल्का सा यहाँ पर जो हमारे कान के पीछे जाता है यहाँ पर हल्का सा टाइट लग रहा है, पर क्योंकि चेहरे पे तो ये थोड़ा सा ब्रॉड लगता है, मेरा चेहरा क्योंकि पतला है तो ये चश्मा थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है मुझे। दूसरा इसमें जो एक प्रॉब्लम है कि इसमें शैडो, इसमें जो रिफ्लेक्शन है, अगर हम डार्क साइड देखते हैं, अगर सामने सूरज है, सामने सनलाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब हम इसको थोड़ा सा शेड में देखते हैं, जब सूरज सामने से नहीं होता है, तो इसमें हमारे ही आँखों की, हमारे ही चेहरे की परछाई जो रिफ्लेक्शन है वो सामने ग्लासेस पर दिखाई पड़ती हैं। दूसरा इसमें जो मुझे दिखा कि लेने के दूसरे ही दिन, अगर आप देखें यहाँ पर इसका जो आईवेयर लैब्स का स्टिकर है, इसमें से एक अल्फाबेट दूसरे दिन ही निकल गया। तो ये मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा लोकल सामान जैसा कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें से उसका लिखा हुआ मिट जाता है। बिकॉज अगर आप रेबैन, खैर इसकी तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रेबैन है द बेस्ट, अगर हम इसकी भी बात करें, जो कि हमने डीकैथलॉन क्वेचा से लिया था, समथिंग 1100-1200 रुपीज़ का ग्लासेस है, इसके भी आज तक कोई भी ब्रांडिंग नहीं छूटी। ग्लासेस पे स्क्रैचेस आ गए क्योंकि ये इसको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल भी किया मैंने भी, और आद्विक ने भी, वो बैठा हुआ है, तो हम दोनों ने इसको एज अ टॉय, एक खिलौने की तरह इसको यूज़ किया, बट अच्छा निकला। तो फिलहाल अभी जो मैंने लिया है, अभी तक का जो मेरा रिव्यू है, अभी तक का जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा है। रात में भी इसको पहन के चलाया तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एंटी ग्लेयर इसका काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल अगर एक तरीके से देखा जाए तो 1400-1500 रुपए का ये चश्मा है ग्रीन टिंट के साथ में। अगर आप कोई चश्मा खरीदना चाहते हैं इस रेंज में, आईवीयर लैब्स का ये चश्मा आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस चश्मे के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी।
तैयारी करते हैं, शाम की ट्रेन है, वापस इलाहाबाद जाना है, थोड़ा से काम है इलाहाबाद में जो कुछ कंप्लीट करने हैं। आने वाले वीडियोस में, आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलता रहेगा क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में प्रयागराज में।